लेक्चर नंबर 53 ऑफ लक्ष्मीकांत सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ तीन आर्टिकल हैं 239, 240 एंड 241 करेंगे इन 53 थ्री लेक्चर्स वी हैव डन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसका मेकिंग एंड देन पार्ट वन टू थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ ए उसके बाद देन हमने डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली प्राइमरी जो लक्ष्मीकांत क्रोनोलॉजी फॉलो करता है वही हमने फॉलो की है उसके बाद हमने पार्ट ट्वेंटी एथ किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है थ्री सिक्सटी एट रिलेटेड टू देंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन पार्ट इलेवन एंड पार्ट ट्व जिसमें लेजिसलेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट दिए गए हैं एंड देन दमरजेंसी प्रोविजन विच आर अगेन पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट बट इन वेरी एमरजेंसी सिचुएशन पार्ट एटीन कर लिया गया है इसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे डेंस और इंपॉर्टेंट और जो लॉन्गेस्ट पार्ट है पार्ट पार्ट परटेनिंग परटेनिंग टू टू द द द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट वो हम कंप्लीट कर चुके हैं फिर उसके बाद लकीली इन एक और जो हमारी लोकल गवर्नेंस है राइट right? हमारे यहां पर टोटल जो राज्य व्यवस्था है दो थ्री टीयर स्ट्रक्चर पर चलती है पहले सेंटर फिर स्टेट एंड देन देर इज अ लोकल वन लोकल में हमने दो इंपॉर्टेंट वाले Which is 73rd and 74th लेकिन अगर हम पार्ट के कॉन्टेक्स में बात करें तो वो पार्ट नाइन एंड पार्ट नाइन ए डिस्कस करते हैं अगर आप इसमें देखेंगे तो हम इस समय स्टार्टिंग के अगर सारे के सारे पार्ट काउंट करें तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट सेवन नहीं हुआ है बाकी सारे के सारे वन टू थ्री फोर फोर ए फाइव और सिक्स और उसके बाद सेवेंथ और एट्थ को छोड़ दो नाइन्थ और नाइन इलेवेंथ और ट्वेल्थ एंड देन

आर्टिकल नंबर 239 से 241 के बारे में बात करता है एंड इट डिस्कसेस अबाउट द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात कर ली स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में बात कर ली देन लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में भी बात कर ली अब जो राज्य व्यवस्था है जो इंडियन पॉलिटी है उसमें एक और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट बसता है विच इज यूनियन टेरिटरी अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल इमीजिएटली टॉक्स की इंडिया की जो टेरिटरीज है वो तीन टाइप की राइट right? सबसे पहले तो टेरिटरी कोई एक्वायर्ड नहीं है हमारे पास दो प्रकार की टेरिटरी है एक तो स्टेट की राज्य सरकारों की और दूसरा यूनियन टेरिटरीज एट पर्टिकुलर गिवन टाइम अट्ठाइस स्टेट है एंड एट यूनियन टेरिटरीज है राइट नो डाउट्स अबाउट इट इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं ये तो जल्द बेसिक नॉलेज है हमारे पास स्पेसिफिकली इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट फर्क है स्टेट्स आर रिलेटेड टू द फेडरल सिस्टम और यूनियन टेरिटरी आप ये समझिए कि फॉर ऑल पर्पस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्क्लेव है आर एनक्लेव्स और दिल्लीव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनके पास फुल फ्लैजेड ऑटोनोमी होती है और यूनियन गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिवली कंप्लीटली डायरेक्ट कंट्रोल करती है यूनियन टेरिटरीज पे यानी कि कुछ हल्का फुल्का ऐसा स्ट्रेटेजिकली या किसी और पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कुछ स्पेसिफिक ऐसे एरियाज है कंट्री के जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एडमिनिस्टर करती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फेडरल सिस्टम में आती है परंतु यूनियन टेरिटरीज पे कोई फेडरलिज्म अवेलेबल नहीं है बल्कि दिस इज स्पेसिफिकली डिफरेंट देन द फेडरलिज्म यूनियन टेरिटरीज आर द एरियाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियड उसको सीधा सीधा कहते ही है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश उनका नाम ही है तो उससे आप सारी की सारी बातें खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाती हैं ये जो टेरिटरीज हैं डिपार्चर फ्रॉम फेडरलिज्मिक्यूस का मतलब कि एकदम देख के पता चलता है कि फेडरलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है अंदर का बेसिक फीचर है फेडरलिज्म फेडरलिज्म का मतलब है कि दिल बी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर टेरिटरीज वेरी स्पेसिफिकली उसी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल से अलग जाती हैं और यहां पर यूनियन टेरिटरीज का जो टेरिटरी है जो प्रदेश है जो वो एरिया होता है वो स्पेसिफिकली डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लेनली यूनिटरी इन सो फॉर एज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यू डेली एंड द सेंट्रल एम इज कंसर्न अब यहां पे सेंटेंस के बीच में कंफ्यूज मत हो जाइएगा ये न्यू डेली एक यूनियन टेरिटरी भी है उसका दूसरा एग्जैक्ट नाम न्यू डेली नहीं है पर यहां पे न्यू डेली जब रेफरेंस होता है तो डैट मीन्स इंडिया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स में पढ़ते हैं तो यूजअली पोलिटिकल कमेंटेटर्स जो कंट्री की कैपिटल होती है उसको एज द कंट्री का पॉलिटिकल सेंटर होने की वजह से उसको एज अ कंट्री के रेफरेंस में भी बात करते हैं तो जैसे अगर हम बात करें कि बीजिंग ने आज ये किया सो इट एक्चुअली मेंट चाइना ने ये किया है वॉशिंगटन सेट दिस तो इट मीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसी तरीके से इंडिया को रेफर किया जाता है कई बार न्यू डेली के नाम से बिकॉज दैट इज दॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द कंट्री ये सारे के सारे क्रिएशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले जस्ट टू नो इसमें आपके लिए जरूरी नहीं है बट जस्ट टू गेट एन आइडिया अठारह में ब्रिटिश ने बेसिकली कुछ एरियाज बनाए थे जिनको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक कहा गया था एग्जैक्टली दिस ब्रिटिशर्स थे ये सारे के सारे ना लिस्ट बना के काम किया करते थे और उस लिस्ट का मतलब कि शेड्यूल एक सूची बना दी जाती थी हर चीज की तो शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्राइब की शेड्यूल एरियाज की अब जो ये शेड्यूल है दिस शेड्यूल आर नॉट परटेनिंग टू द शेड्यूल एरियाज जो पांचवे और छठे शेड्यूल के अंदर बड़े सारे से शेड्यूल हो गए कंफ्यूजन ही हो गया राइट right? पांचवा शेड्यूल है उसमें शेड्यूल एरिया है छठा शेड्यूल है उसमें भी शेड्यूल एरिया है ये दोनों के दोनों शेड्यूल ट्राइब की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं एंड उससे पहले हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स ने कुछ एरियाज थे कंट्री के अंदर जिसको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट कह दिया गया था लेटर ऑन इनको चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस बता दिया गया था एंड जब इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आ, हमने जो हमारी जितनी भी उस समय इंडिया की टेरिटरीज थी उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था कैटेगरी ए कैट पार्ट कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी डी दे वर प्लेस्ड इन दार्ट सी एंड दार्ट डी ऑफ द कैटेगरी ठीक है बाद में, 1956 में के ये एकदम सबको फिर दोबारा में रीफ्रेम किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो जो पार्ट सी और पार्ट डी में जो जो टेरिटरीज थी इंडिया की उनको यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दिया गया अभी रिसेंटली 25 जुलाई 2021 हजार इक्कीस को एम पी पी एस सी का प्रिलिम्स हुआ है। एम पी के प्रिलिम्स में ये स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली पूछा गया था कि जो ये 1956 का एक्ट था ये कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज बनाता है उस समय एट दिस मोमेंट इस एक्ट के द्वारा जब रिओर्गेनाइजेशन हुई इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिवली तो कितनी स्टेट्स बनाई थी और कितनी यूनियन टेरिटरीज बनाई थी ना करेक्ट आंसर वॉज 18 स्टेट्स एंड द सिक्स यूनियन टेरिटरीज एमपीपीसी प्रीलिम्स के क्वेश्चन है अच्छा अब सवाल यह है कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में यह वाला चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा पता चलेगा कि इंडिया का जो अभी पॉलिटिकल मैप हम देखते हैं वो कैसे बना है हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये सब स्टेट्स के नाम अब हैं लेकिन पहले एक्चुअली में देश में एक्ट वन पॉइंट और दी गिवन पॉइंट ये सारी की सारी स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी इवन हिमाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश एंड द गोवा देवर स्टेट्स फॉर्मली यूनियन टेरिटरीज़ उसके बाद जो टेरिटरीज हमने पोर्चुगीज से ली थी जैसे कि गोवा हो गया दमन इंदुई दादर एंड नगर हवेली फ्रेंच से ली थी पुडुचेरी दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज द यूनियन टेरिटरीज अभी इसमें से गोवा को तो बेसिकली स्टेट बना दिया गया है बाकी सारी की सारी पुडुचेरी दमन इंदुई एंड दादरा एन एं नगर हवेली ये इस समय यूनियन टेरिटरी है इस समय एट दिस मोमेंट प्रेजेंटली इतनी ये सारी की सारी हमारी यूनियन टेरिटरी है सबसे पहले हो गई अंडमान एंड निकोबार आईलैंड ठीक है कब बनी है ये 1956 में चंडीगढ़ कब बनी है ये 1966 में यानी कि जब पंजाब का जो राज्य था उसका विभाजन हुआ पंजाब और हरियाणा में बांट दिया गया उसी दिन एक नवंबर 1966 को चंडीगढ़ का भी जन्म होता है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड ये हमारी सबसे लेटेस्ट 2020 26 जनवरी ये सबसे सबसे लेटेस्ट हमारी यूनियन टेरिटरी है इन द सेंस कि पहले ये अलग हुआ करती थी दादरा एंड नगर हवेली अलग थी दमन एंड दुई अलग हो गई थी अब इन दोनों को कंबाइन कर एक ही सिंगल यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है हैपन ऑन दी 2020 उसके बाद दिल्ली दिल्ली बनी है एक नवंबर नाइनटीन में जम्मू एंड कश्मीर दो में यानी कि लेटेस्ट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जो कंफ्यूजन था आप अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सी लेटेस्ट है तो प्रॉबेबली जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख बोलने की संभावना थी रिमेंबर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दु ये अब सबसे लेटेस्ट वाली हो गई है जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर राज्य को दो भागों में बांटकर दोनों को यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को उसके बाद हमारी लक्षदीप है वो 1956 में ही बनी है और उसके बाद हमारी पुडुचेरी है जो कि 1962 को हमने फ्रांस से ली थी उसके बाद उसको यूनियन टेरिटरीज में डिक्लेयर कर दिया था दीज आर दी एट यूनियन टेरिटरीज इन आवर कंट्री यह डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है और सब में अलग अलग सिस्टम एग्जिस्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वह कंप्लीटली यूनिफॉर्म है पॉलिटिकल है सारे की सारी स्टेट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है यूनियन टेरेटरीज पर टेन्स इसमें सब अलग अलग है जरूरत पड़ने पर कैसे भी प्रकार से चेंज किया जा सकता है इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा Uh, जो स्पेशल प्लेस है वो दिल्ली का है तो हम दिल्ली को बिल्कुल थोड़ा सा अलग उसकी uh, उसके जो न्यूएंसेज uh, हैं उसको अलग से डिस्कस करेंगे लेट्स गो फॉर इट ये करते क्यों है नाउ दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन सर स्टेट गवर्नमेंट मतलब जरूरत क्या पड़ती है ये सिर्फ और सिर्फ प्रिलिम्स uh, के लिए है राइट right? प्रिलिम्स से पूछा जा सकता है कि वट आर द रीजन फॉर क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरीज कभी कभी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं दिल्ली और चंडीगढ़ कभी कुछ कल्चरल डिस्टिंगटिवनेस की वजह से जैसे पुडुचरी होगी दादरा है नगर हवेली होगी दमन इंद्वी हो गए इस पर बड़े ही ना फ्रेंच और पोर्चुगीज़ कल्चर के बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिवनेस के असर थे तो उस डिस्टिंगटिवनेस को पर, आ, प्रोटेक्ट करने के लिए इनको स्पेसिफिकली थोड़ा सा अलग से स्पेस दे दिया गया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अब अंडमान है निकोबार और लक्षद्वीप है दे दे आर आर जिनका बहुत ही ज्यादा महत्व uh, है एंड हेंस डायरेक्टली बाय सेंटर और कभी कभी जरूरत पड़ने पर बैकवर्ड या ट्राइबल पीपल की स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए जैसे मिजोरम मणिपुर त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश इन सबको पहले यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था एंड देन वन लेटर ऑन देर एक्चुअली एक्सोल्टेड टू द स्टेट लेवल ऑफ द स्टेट बहुत ही सरल बात है 2019 का एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अभी अभी रिसेंटली हुआ है जिसमें जो जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी उसको बाइफर्केट करके दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया था नो डाउट्स अबाउट इट यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में क्या रीजन दिया कि भाई इसको इस स्टेट को हम क्यों बदल रहे हैं सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो लद्दाख डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही ज्यादा लार्ज एरिया है बट स्पार्सली पॉपुलेटेड है और लद्दाख के लोगों की बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही थी कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस बना दिया जाए ठीक है एंड हेंस द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख वाज क्रिएटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं होगा यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो दो प्रकार की हैं हमारे पास जिसमें लेजिस्लेचर है और जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है ठीक है तो टोटल आठ यूनियन टेरिटरीज में से तीन यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर है यानी कि वहां के यूनियन टेरिटरी के लोग इलेक्शंस के लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट करते हैं एंड द रेस्ट फाइव हैव नो इलेक्शंस उसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है थ्रू अ गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग नाम दे सकते हैं उसको आइए बात करते हैं दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर में क्या डिफरेंस है जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी बनाई गई है द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी विदिस्लेचर ठीक है सो so, दो यूनियन टेरेटरी एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर उसको बाइफर्केट करके दो यूनियन टेरिटरी बनाई लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के अंदर लेजिस्लेचर नहीं होगा यानी अब या पूरा का पूरा जो लद्दाख का एरिया है ड्यू टू तो द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और बेसिकली बहुत बड़ा एरिया था स्पार्सली पॉपुलेटेड था अब उसको डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर किया करेगी जम्मू एंड कश्मीर एज ए यूनियन टेरिटरी हैज बीन क्रिएटेड बट उसमें लेजिस्लेचर क्रिएट किया गया है यानी कि वहां पर इलेक्शंस होंगे एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी इलेक्टेड फॉर इट स्पेसिफिकली क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्ट में हमारे पास बस तीन आर्टिकल है टू थर्टी नाइन से टू फोर्टी वन तक ऑन इन दी पार्ट एट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन दो ऑल द यूनियन टेरिटरीज बिलोंग टू वन कैटेगरी यानी कि टेक्निकली वो सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज हैं पर उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें सब में अलग अलग सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में थोड़े थोड़े से स्लाइड स्लाइड चेंजेस होते रहते हैं इनके अंदर अब सारी की सारी यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्टर्ड बाई द प्रेजिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाई हेम ये प्रिलिम्स फोकस ऑन द प्रिलिम्स वर्ड देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब बोला जाता है वेन वी सेट्रल गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इज वट कम्स टू द माइंड फर्स्ट ठीक है लेकिन वेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज वहां पर यूजली दैट थिंग एक्चुअली परटेन्स टू द प्रेजिडेंट तो यूनियन टेरिटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है बट दैट पर्सन अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो कौन करता है राष्ट्रपति राष्ट्रपति करता है थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अब एडमिनिस्टर अब यहां पर देखो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इज एन एजेंट ऑफ द प्रेजिडेंट नॉट हेड ऑफ द स्टेट लाइक अ गवर्नर इसका नाम कई बार ना सिमिलर होता है जैसे दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी सारी स्टेट्स में जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा उसको गवर्नर कहा जाता है इज नो डिफरेंस ठीक है नाम में कोई डिफरेंस नहीं बाकी सब में यूनियन टेरिटरीज के हेड्स का अलग अलग नाम रख सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि इज इट सिमिलर टू गवर्नर नहीं बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेटली है सबसे पहले जो गवर्नर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर होता है दर इज अ डिफरेंस वेयर एज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एजेंट ऑफ प्रेजिडेंट है डायरेक्ट मतलब कि इस पर फुल फ्लैजेड कंट्रोल है प्रेजिडेंट का okay, इस पर फुल फ्लेजेड कंट्रोल होता है प्रेजिडेंट का वो प्रेजिडेंट ही एडमिनिस्टर कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी को थ्रू दैट एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर स्टिल हैज ए लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है उस पर वो हेड ऑफ द स्टेट है जिस भी राज्य में वो गवर्नर है वहां के वो हेड है ठीक है उसके एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड वही है परंतु वेन इट कम्स टू यूनियन टेरिटरी कोई इसके अंदर शक की बात नहीं है कि द पर्सन इज द एजेंट ऑफ द नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गेजिडेंट कैन स्पेसिफाई डेजिग्नेशन इट मे बी लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर तो अलग अलग जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें वो किसी भी प्रकार के डेजिग्नेशन यूज करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे आप कॉन्सेप्ट देखें जो दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है एट प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली पुडुचेरी अंडमान एंड निकोबार जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड द्वीप एंड लक्ष्मी ठीक है तो अभी इस समय दो नाम यूज कर रहे हैं अलग अलग ये मत सोचना कि भाई चंडीगढ़ में कोई एडमिनिस्ट्रेटर है एंड सडनली यू बी लाइक इसमें गवर्नर क्यों नहीं है चंडीगढ़ इज बींग बाय एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है

वन गवर्नर कैन बिकम अ गवर्नर ऑफ टू स्टेट्स ये बात जानते हैं आप पंजाब का भी गवर्नर वही आदमी हो सकता है जो कि हरियाणा का गवर्नर है ये तो हम पढ़ चुके हैं दो स्टेट का एक गवर्नर हो सकता है दो स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का भी एक गवर्नर हो सकता है नो डाउट्स अबाउट इट लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात वही वाली बात है गवर्नर जब किसी स्टेट का गवर्नर होता है देन उसको उस समय अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट की उसकी बातें माननी होती है राइट right? उसकी एडवाइस पर ही काम करना होता है बट जब वही गवर्नर अगर एडमिनिस्ट्रेटर बन गया यूनियन टेरिटरी का देन ही इज एब्सोल्यूटली नॉट बाउंड बाई दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द गवर्नर इज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ हिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वेन इट अगेन दिस इज लाइक वेरी ऑब्वियस राइट भाई जिस यूनियन टेरिटरी पर इलेक्शन ही नहीं हुए तो महाराष्ट्र में सपोज कीजिए महाराष्ट्र का गवर्नर है और महाराष्ट्र के गवर्नर को दमन एन द्वी दादर नगर हवेली का भी एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया सो so महाराष्ट्र के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी वो एडवाइस वहां पर दमन एन द्वी पर तो चलेगी नहीं वो तो यूनियन टेरिटरी है तो इट्स तो सेम ऑब्वियस ये क्वेश्चन आप वैसे भी ऑटोमेटिकली हैंडल कर ही सकते थे तो पुडुचेरी दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर ये तीन हमारे देश में यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है लाइक like, जस्ट लाइक like स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर इलेक्शंस होते हैं एमएलए को इलेक्ट किया जाता है और उसको चीफ मिनिस्टर हेड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाकी जो पांच यूनियन टेरिटरीज हैं डज नॉट हैव दीज पॉपुलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ठीक है लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जस्ट बिकॉज की इन तीन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पर प्रेजिडेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है फुल फ्लेजेड उस पर जो कंट्रोल है इन तीनों की तीनों यूनियन टेरिटरीज पर प्रेसिडेंट का ही रहता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इनके ऊपर कंट्रोल रहता है दो कुछ स्पेसिफिक पब्लिक स्पेस में काम करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी एग्जिस्ट करती हैं पुडुचेरी दिल्ली जम्मू एंड कश्मीर अ यूनियन टेरिटरी विदिस्लेटिव असेंबली लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं हुए 2019 के बाद से लेके अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए गवर्नर पार्लियामेंट में अब एक इंपॉर्टेंट बात करें यह जो तीन है हमारी दिल्ली होगी पुडुचरी होगी और जे एन के तो इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव लेजिस्लेट असेंबली लेजिस्लेट ले क्या करती है फंक्शन वो स्टेट की तरह करती है लेजिस्लेटिव असेंबली

Like concept, like, में से संबंधित लॉ कौन बनाता है? और कौन से लिस्ट पर बना सकते है? है तो बेसिकली तीनों लिस्ट पर बनाएंगे, राइट? अब नगर हुई अंडमान एंड निकोबार की तो लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं तो जो स्टेट लिस्ट में वहां जो सब्जेक्ट थे वहां पर हेल्थ इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट में है, health, राइट? तो अब पे कौन लॉ बनाएगा अंडमान निकोबार के लक्षद्वीप का Obviously Parliament will be able to do it. This power of Parliament also extends to Puducherry, Delhi and Jammu and Kashmir, which have their own local legislature. यानी यही है बट दैट डज नॉट मीन कि सेंटर का कंट्रोल किसी भी प्रकार से डिमिनिश होता है राइट सो वेरी स्ट्रेट फॉर्वर्ड यूनियन टेरिटरीज जो भी टेरिटरीज हैं उनमें सारे के सारे लॉज पार्लियामेंट बना सकता है ऑल थ्री लिस्ट यूनियन लिस्ट पे भी स्टेट लिस्ट पे भी और कंकरेंट लिस्ट पे भी एंड रेजिडरी पे तो ऑल ओवर इंडिया वैसे से ही है तो टेक्निकली इनके यहां पर भी है हाँ यही जो क्या करती है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट टेरिटरीचर रिमेन्स अनब्लिशिंग ए लोकल लेजिस्लेचर फॉर दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर को कंप्लीटली मतलब वहां से उस प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग चले गए राइट कोई सेपरेशन ऑफ पावर का सवाल है ही नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी कैन ऑलसो मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एंड दंकरेंट लिस्ट सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन मेक लॉ अच्छा

स्पेसिफिकली पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड ये तीन सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती है अब फर्क क्या देखो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर लॉ बना सकती है पार्लियामेंट भी बना सकता है और जब पार्लियामेंट बनाएगा तो ओवर पावर कर जाएगा ठीक है दिल्ली की गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाए पार्लियामेंट उसके ऊपर बना के उसको ओवर पावर कर सकती है चाहे वो स्टेट लिस्ट का ही हो ठीक है However, स्टेट लिस्ट में से तीन चीजों पर लॉ बनाया ही नहीं जा सकता है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है स्पेसिफिकली नाउ क्यों या भाई यार वही वाली बात है एनसीआर है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वहां पर पॉलिटिकल कैपिटल इट इज द पॉलिटिकल सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से ये तीनों के तीनों टॉपिक किसी को नहीं दे सकते थे कंकरेंट लिस्ट पर स्टेट लिस्ट पर बना दीजिए दैट वॉज नॉट नॉट द प्रॉब्लम राइट सो जस्ट टू समराइज सिंपल बात है पार्लियामेंट वेन इट कम्स टू यूनियन टेरिटरीज तीनों लिस्ट पर लॉ बना सकता है ठीक है उसके बाद तीन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है हाँ वो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर लॉ बना सकती है पार्लियामेंट कर सकता है किसी भी समय एंड ए वेरी स्पेसिफिक एक्सेप्शन केस जिसमें दिल्ली में तीन सब्जेक्ट हैं पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड जिसके ऊपर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना सकती है अच्छा अब आ जाते हैं हाई कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट कैन स्टेब्लिश ए कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी अगर चाहे तो यूनियन टेरिटरी की सेपरेट हाई कोर्ट हो सकती है और चाहे तो किसी और हाई कोर्ट की जुडिसिक्शन के अंदर रखा जा सकता है अब इस में सिर्फ एक ही यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी खुद की हाई कोर्ट है कौन सी भैया दिल्ली इज ओनली यूनियन टेरिटरी दैट हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन 1966 में बना दी गई थी तब से लेके अब तक है बाकी जो सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज हैं किसी न किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी के ऊपर है जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट है इसमें दादरा एंड नगर हवेली अंडमान एं एंड द्वी की जो है तो इन इस यूनियन टेरिटरी के लोगों को कहीं जाना पड़ता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट अंडमान एंड निकोबार चंडीगढ़ लक्षद्वीप पुडुचेरी ये सबके सब कलकत्ता पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट केरला और मद्रास हाईकोर्ट जो जिसके पास है वो देख लीजिएगा ठीक है चंडीगढ़ भाई हरियाणा में ही हरियाणा पंजाब में आता है तो हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट अपना अंडमान निकोबार कलकत्ता के पास सबसे ज्यादा पड़ता है तो इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट हमारा पुडुचेरी हो गया वो मद्रास के पास सबसे क्लोज है तो मद्रास हाईकोर्ट लक्षद्वीप हो गया वो केरला से सबसे पास पड़ता है तो केरला हाईकोर्ट राइट क्लैरिटी है इसके अंदर अच्छा अब जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट इज द कॉमन हाईकोर्ट फॉर द टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यानी कि टोटल तीन यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास खुद की अलग से हाई कोर्ट है राइट दिल्ली इज दी वन जिसके पास एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की दोनों की मिलके एक बना रखी है विच यू कैन इमेजिन कि पहले स्टेट की हाई कोर्ट थी जब स्टेट को बाइफर्केट करके यूनियन टेरिटरीज में किया गया तो उसी हाई कोर्ट को दो यूनियन टेरिटरीज की हाई कोर्ट में बदल दिया गया ठीक है नो इशूज कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट कन्वे मतलब कंटेन एनी सेपरेट प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अक्वायर्ड टेरेटरीज पर जब ज़रूरत होगा तो ये यूनियन टेरीटरीज वाले भी प्रिंसिपल्स उनके ऊपर लग जाएंगे आप जिस वो एक्वायर होनी है जो आप सोच रहे हैं उसको एक्वायर कर लेंगे तो क्या होगा लेकिन जब वो एक्वायर हो जाएगी तो वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एड हो जाएगी उसको एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं बोलेंगे ठीक है वो एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं है एक्चुअली में वो जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का ही पार्ट है सो डोंट कॉल दैट एक्वायर्ड हाँ उसके बाद का जो और कोई एरिया अगर आप सोच रहे हो कि सिंध और बलूचिस्तान को अगर हम मिला ले सर नेपाल ले भुटान -भुटान ले भूटान वटान देख लें तो क्या हो जाएगा तो हाँ दैट वुड बी एक्वायर्ड टेरिटरी और उसको डायरेक्टली कौन एडमिनिस्टर करेगा सेम जो कि यूनियन टेरिटरीज़ के प्रिंसिपल होते हैं डेली के कॉन्टेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंट चीज है डेली बहुत मतलब डेली हैज ए स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस राइट पॉलिटिकल कैपिटल है यहां पर प्राइम मिनिस्टर खुद बैठते हैं होम मिनिस्टर पार्लियामेंट यहां पर है सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट है द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सो डेली हैज सम स्पेसिफिक प्रोविजन जिसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए क्या फर्क है बाकी नॉर्मल है इसके अलावा जो बाकी की बाकी सात यूनियन टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपने किसी एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ठीक है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कोई ज्यादा कभी प्रॉब्लम नहीं आती है डेली बाई दिक्सटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन इसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था एंड इट वॉज रीडेजिग्नेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली एंड डेजिग्नेटेड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक है तो 1991 से पहले इस पर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी यानी कि काइंड kind ऑफ of जो नगर निगम टाइप की जो चीज होती है दिल्ली का जो एरिया था इस प्रकार से एडमिनिस्टर होता था ठीक है बट ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस सिक्सटी ठीक है सिक्सटी के साथ साथ याद रखो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हमारी जो वोटिंग एज है राइट right? आपके पिताजी जब पैदा हुए थे तो वो वोट तभी कर पाए थे जब वो 21 साल के बाद के बाद हुए थे आप बेसिकली 18 साल के बाद ही वोट कर सकते थे तो जो ये चेंज था 21 से 18 का ये अठारह अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था नाइव सीन सेवरल पीपल कंफ्यूजिंग गेटिंग कन्फ्यूज कि सर वो सिक्सटी नाइन्थ तो नहीं था सिक्सटी नाइन्थ इज रिलेटेड टू द डेली जिसमें डेली का नाम बदलकर रख दिया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हुआ करती थी वो एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाती थी फ्रॉम देयर ऑन वहां पर आ गया अब इस समय इसकी असेंबली जो बनाई गई है उसमें सत्तर एमएलए की जो गवर्नमेंट है उसमें सत्तर एमएलए होते हैं दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अगेन डायरेक्टली इलेक्टेड बाई दीपल नो डाउट्स अबाउट इट काफी हाई प्रोफाइल इलेक्शन थे आप ने सुने ही आप जानते भी होंगे एंड आर कंडक्टेड बाई द इलेक्शन कमीशन कमीशन ऑफ ऑफ इंडिया इंडिया अगेन इलेक्शन अगर यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन है स्टेट के इलेक्शन है सेंट्रल इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू बी इन दिस असेंबली कैन मेक लॉज ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट एंड दंकरेंट लिस्ट बस तीन मैटर को छोड़ के पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड को छोड़ के हर जगह पर ये बन सकते हैं एज यूजल पार्लियामेंट कैन ओवर रूल देन अगर जरूरत पड़ती है बट मोर और लेस इस प्रकार का सिस्टम एग्जिस्ट करता है ठीक है स्पेसिफिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टोटल स्ट्रेंथ यानी कि सिर्फ सात लोग हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में यह चेंज है एक्चुअली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट और लोकसभा में होती है या पार्लियामेंट में होती है उसमें क्या स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कैन यू प्लीज मीन

जब चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे तभी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि चीफ मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू असेंबली वही बेसिक लोकसभा और विधानसभा वाला सिस्टम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस दी गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ इज फंक्शन एक्सेप्ट इन सो फॉर एज ही इज रिक्वायर्ड टू एट प्रेजेंट डिस्क्रिप्शन तो दिल्ली में एक तो सीएम हो गया और एक हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ठीक है लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड और एडवाइस करते हैं बट रिमेंबर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन होती है ठीक है क्योंकि वो प्रेसिडेंट का एजेंट है और दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो प्रेसिडेंट के फुल फ्लेजेड कंट्रोल में है हां जो नॉर्मल जरूरत पड़ती है काउंसिल मिनिस्टर पे कुछ और है एड और एडवाइस की जा सकती है गवर्नर किसी भी चीज लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी चीज को ओवर रूल भी कर सकता है डेली के अंदर इनकेस ऑफ द डिफ्रेंस ऑफ द ओपिनियन गवर्नर बेसिकली मैटर सीधा प्रेजिडेंट को भेज सकते हैं बिकॉज ही इज पर्सनली एजेंट ऑफ द गवर्नर इसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर किया जाता है वो सारी की सारी अगेन प्रिलेंस की नजर से देखिए हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है उनको होम मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है दे कम इन अंडर दंट्रोल ऑफ द होम मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर इज दोडल मिनिस्ट्री ऑफ ऑल मैटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी रिलेटिंग टू द लेजिस्लेशन फाइनेंस एंड दजट सर्विस एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है एजेंट को राइट लेकिन टेक्निकली कौन एडवाइस करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी कहां पर पावर सेंटर है होम मिनिस्ट्री में यूनियन टेरिट्रीज को कौन सा Government ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरीज को मैनेज करती है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री है पर बेसिकली है, है, का का पूरा का पूरा, ठीक ऑल द फाइव यूनियन टेरिटरीज जो कि लेजिस्लेचर के बिना है पहले तो अंडमान एंड निकोबार हो गई हमारी चंडीगढ़ हो गया दमन एंड द्वी एंड दादरा एन एं नगर हवेली हो गई लक्षद्वीप और लद्दाख हो गई है फोरम ऑफ होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमेटी एक कमेटी बना रखी है पांचों के पांचों एडमिनिस्टर करने के लिए एंड दिस वाज ओनली अबाउट द यूनियन टेरिटरी इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना था सिंपल बात है आठ यूनियन टेरिटरी हैं तीन लेजिस्लेचर की है पांच बेसिकली डायरेक्टली एडमिनिस्टर हैं आठों की आठों में कोई एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग अलग डेजिग्नेशन है अपॉइंट uh, कर दिया जाता है प्रेजिडेंट के द्वारा हु इज एन एजेंट ऑफ प्रेजिडेंट अनलाइक द गवर्नर गवर्नर हु इज मोर ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव

यूनिफॉर्मिटी है इन दर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यहाँ पर जरूरत पड़ने पर दिल्ली का अलग सिस्टम एग्जिस्ट करता है लद्दाख का बिल्कुल अलग है चंडीगढ़ का अलग है पुडुचरी वुडुचरी का थोड़ा सा और अलग है किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं किसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई जबरदस्ती नहीं है एग्जीक्यूटिव हेड इज़ नोन एज दी गवर्नर यहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड को एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ कमिश्नर भी कहा जा सकता है गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हैड ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज एन एजेंट ऑफ द प्रेजिडेंट रिमेंबर इट गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हैड ऑफ द स्टेट ठीक है अब एडमिनिस्ट्रेटर इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहने का ये मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटर डजेंट है स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल ऑफ गवर्नर टेक्निकली वो बस प्रेजिडेंट के सेक्रेटरी की टाइप की चीज है ठीक है नॉट इन द एग्जैक्ट टर्म्स बट टेक्निकली पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे तो लॉ बना ही नहीं सकता सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेज पे ये बात है कि हम तीनों लिस्टों पर लॉ बनाएंगे कोई जरूरत की बात नहीं है ठीक है कोई सर बात नहीं है ये हमारे पास हमारे यूनियन टेरिटरीज के कानून थे पहले 242 आर्टिकल तक हुआ करते थे लेकिन 242 वाला जो है वो हमने रिपील कर दिया तो अब बस यही आर्टिकल्स है 239 से 241 तक वी हैव ऑलरेडी डन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है लोकल लेजिस्लेचर अगर क्रिएट करना हो स्पेशल प्रोविजन्स विद रिस्पेक्ट टू डेली प्रोविजन्स इन फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डिनेंस के लिए पावर ऑफ द प्रेजिडेंट टू मेक रेगुलेशन हाईकोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज ये यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कंप्लीट है इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है सारी की सारी ना ऐसी जानने वाली चीजें हाँ दिल्ली दिल्ली तो यार उस पर पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड पे लॉ नहीं बना सकती है ये आपस, राइट राइट यू अच्छा अच्छा हाँ। और लेकिन इस पर मतलब सारी ऐसी कॉमन सेंस वाली चीजें हैं अच्छा स्टेट लिस्ट पे हाँ हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना ही सकती है नो डाउट्स अबाउट इट राइट बहुत बहुत ईजी ऑटोमेटिकली चैप्टर आ जाएगा जिसने यूनियन वाला और स्टेट वाला कर रखा है अगेन दैट्स दैट्स इज प्री कंडीशन ऐसा मत कहिएगा कि आज आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं और चैप्टर में सब डिफिकल्टी आ रही है जिसने पार्लियामेंट वाला और बेसिकली क्या नाम है स्टेट पार्लिया स्टेट लेजिस्लेचर वाला जो चैप्टर है जिसने वो अच्छी तरह से किया हुआ है यू नीड दी डी एफ ऑफ दिस क्लास ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल देखो यार टी डॉट मी स्लैश अमित किलोर ये, ये आपको मैं इसमें इस इसमें आपको पी डी एफ शेयर करता हूँ वो डू आई शेयर पी डी एफ्स ठीक है यू गट क्वेश्चन वेल दिस इज माई ट्विटर अकाउंट जहाँ पे आपको कोई डाउट्स है अपने क्या नाम है कोई भी डाउट है जैसे कि पॉलिटी से रिलेटेड सो प्लीज़ डू जॉइन मी ऑन आंदर ट्विटर आई एल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर फिफ्टी फोर